हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में है आप आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आप सिविल ब्रांच के हों या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हों और NBCC JEE का एग्जाम दिया हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैं बताऊँगा कि आप किस तरीके से जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं और किस कितना जो है NBCC JEE का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इस पर आ जाना है। यहाँ पर आपको एक लिंक दिख जाएगा एक अनाउंसमेंट में, ठीक है। अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे, ऑब्जेक्शन विंडो फॉर CBT कंडक्टेड फ्रॉम 8th मई एंड 9th मई विल बी लाइव फ्रॉम 10 hour 13 मई टू 17 hour 14 मई, ठीक है। इसके बीच आप जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर आप लॉगिन करके डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से लॉगिन करके डाउनलोड आपका रिस्पॉन्स शीट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा रेज ऑब्जेक्शन का, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, यहाँ पे क्या आपको दिखेगा कैंडिडेट यूजर आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। तो मैं आपको सारी डिटेल एंटर करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप जो है रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप जो है अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं और अगर किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन होता है तो उसका ऑब्जेक्शन आप किस तरीके से रेज कर सकते हैं। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको फिर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा सबमिट बटन, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा आपका, यहाँ पे सारी डिटेल होंगे कैंडिडेट यूजर आईडी एग्जाम डेट टाइमिंग और यहाँ पे जो सेंटर पे आपका एग्जाम होगा वो सारी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्ड और हाईलाइटेड विद सेक्शन, यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है इसको डार्क अगर किया गया है तो समझिए कि आपने जो सेलेक्ट किया है वो ये ऑप्शन है और ये इधर जो करेक्ट आंसर है वो उसके सामने लिखा है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को देख सकते हैं और सारे क्वेश्चंस का रिस्पांस आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन होता है तो ऑब्जेक्शन रेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए इन्होंने जो है जिनका क्वेश्चन पेपर है ये उन्होंने इस सक्रिय पृथ्वी दबाव सेलेक्ट किया है, यहाँ पे देखिए डार्क सर्कल कर दिया गया और ये इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी करेक्ट है निरुद्विघ्न पृथ्वी दबाव, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना रिस्पॉन्स डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ऑब्जेक्शन है किसी क्वेश्चन पर तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से आप किसी क्वेश्चन पर जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।